सोना एलिवेटेड रोड और ये जो है सोना रोड पे चल रहा है नियर मारुति कुंज, और ये एलिवेटेड रोड का जो कार्य चल रहा है ये फ्लाईओवर का, और ये सामने देख रहे हैं दोनों लॉन्सर उस तरफ से भोंडसी से और इधर मारुति कुंज से, ये दोनों लॉन्सर आमने सामने यहाँ तक कार्य हो चुका है और दोनों तरफ से फिनिशिंग का काम चालू है, विंग्स लगाना और सेटअप करने का। ये देखिए, और ये जो रोड है राजीव चौकुर गांव से स्टार्ट होकर के आपका सोना तक जा रहा है केआर मंगलम जीडी गोनिका के आगे, और बीच से ही कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे फिलसर में। फ्यूचर में इससे कनेक्ट हो जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे जो महिपालपुर शिवमूर्ति के साथ से वो बन रहा फेज थ्री का तक वो कार्य, फेज वन फेज टू फेज थ्री, और उससे द्वारका एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हो जाएंगे इस रोड से, और आप आगे जा कर के अलीपुर जो सोना रोड पे ही है और साउथपुर गांव का भाग है सेक्टर 36 के पास आप कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। फिलहाल ये कार्य चलता हुआ सोना एलिवेटेड रोड का। और यहाँ से सीधा कनेक्ट हो जाएंगे, ये जो रोड है यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड पे और चले जाएंगे सैलानी के पास, जो अपने प्लॉट के आसपास जो स्टेशन बनना है WDFC का काम चल रहा है वहाँ पे, और ये पहले जो पासिंग इस पे ऐड नहीं था जो ये ऐड किया गया जो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये जो लोकेशन है सोना रोड का अलीपुर, और फाइनली यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का स्टार्टिंग पॉइंट है जो यहाँ से हमारे लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं ये नाले का जो सिस्टम डाला हुआ है, इसके साथ से कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। और ये जो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है, ई हाईवे जो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे के नाम से जानते हैं और शॉर्ट नेम DME भी बोल सकते हैं, और इससे कनेक्ट हो जाएंगे जेवर एयरपोर्ट DND दिल्ली और आप बल्लभगढ़ फरीदाबाद भी कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये जो बनाया जा रहा 1350 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा और भारतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा, ये फिलहाल जो 8 लाइन का बनाया जा रहा और फ्यूचर में इसको 12 लाइन का कनेक्ट कर दिया जाएगा, और जमीन जो NHAI खरीद रखी है ये आपका 20 लाइन तक खरीद रखी है।
सोना की तरफ से आते थे यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे दिल्ली मुंबई।